आगे रुक कर लेंगे बड़ी खबर का, जहां नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल चेकिंग के दौरान 3 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। लुटे हुए 14 मोबाइल, एक मोटरसाइकिल भी बदमाशों से बरामद की गई है और बदमाश सूनी पड़ी सड़कों पर लूट की घटनाओं को अंजाम देते थे, जो अब पुलिस के हत्थे छोड़े हैं। तो बड़ी खबर आपको बता दें, जहां नोएडा पुलिस के हाथ की बड़ी कामयाबी लगी है। दरअसल नोएडा पुलिस ने मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया है। 3 शातिर मोबाइल झपटमारों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां इनके पास से 14 मोबाइल भी बरामद किए गए हैं। बता दें कि सूनी सड़कों पर लूट की घटनाओं को ये बदमाश अंजाम देते थे। 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। 14 मोबाइल फोन और एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। शिव हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार बने हुए हैं। शिव, नोएडा पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां 14 मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं, 3 शातिर मोबाइल लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बासठ के जो डी पार्क है, वहाँ के पास से 3 शातिर मोबाइल स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। इन लोगों से के पास से 14 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं, एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है, जिसपे ये सभी मोबाइल फोन जो है वो कनेक्ट हुए हैं नोएडा और गाजियाबाद के। इन लोगों के द्वारा ऐसे रैकी करके जगहों को चिन्हित किया जाता था, जहाँ पे दिन के समय जो है भीड़ ना हो उस रोड पे, जिससे कोई विरोध ना कर सके। उसी के बाद ये वहां से निकल रहे राहगीरों से तमंचे के बल पे या चाकू के बल पे उनसे मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम देते थे। इनके द्वारा बताया गया कि ये पिछले काफी समय से सेक्टर 62 और उसके आसपास का इलाका पहले से रैकी करते थे कि यहाँ पे कोई पुलिस का पेट्रोलिंग तो नहीं है या उस मार्ग पे कोई ऐसी भीड़ भाड़ तो नहीं है, उसके बाद ही ये मोबाइल स्नैचिंग की घटना को अंजाम दी। फिलहाल इन लोगों के पास से 14 मोबाइल बरामद हुए हैं, जो कि सब कनेक्ट हुए हैं। आरोपी जो है वो अलीगढ़ के रहने वाले हैं और यहाँ पर गाजियाबाद और नोएडा में अलग अलग लोकेशन को बदलकर ये लोग यहाँ पे मोबाइल स्नैचिंग की घटना को फिलहाल अंजाम देते हैं। इनके अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी के लिए नोएडा पुलिस के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिव, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। बने रहिए आप हमारे साथ, हम फिर लौटेंगे आपके पास।